इन्होंने अभी इस बात को साबित किया, उसी के लिए हमने इनको सम्मानित भी किया कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन और कितना बड़ा अचीवमेंट उनका समाज के गांव के विकास में है। ये और ज़्यादा बढ़ सकता है अगर हम सम्मान दे नारी को उच्च स्थान दें और उनको बराबर से कहीं ना कहीं जो जरूरत है उनके लिए और कुछ करने की वो सब कुछ लगातार जारी रखें। ये प्रयास और हमें करने होंगे बढ़कर करें। आज का जो महिला दिवस है ये इस बात के लिए प्रेरणा का दिवस है, इनको खुशी से वो मनाना चाहिए, उनके लिए सेलिब्रेशन कर देने निश्चित तौर पर। उसमें जो आज का प्रयास है LKBK का वो बहुत सराहनीय है। नेहरू युवा केंद्र को इस कार्यक्रम में सहभागी बनने का अवसर मिला, मैं इसके बाद के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपसे बातचीत करने का मौका मिला और तमाम और ऐसी संस्थाएं बहुत कुछ करने का प्रयास करने की सरकारी स्तर पर और चाहे NGO वो मिलकर के काम करने की कोशिश कर रही है। महिलाओं के लिए भी नेहरू के भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के सरकारी ऑफिस है, लड़के लड़कियों के विकास के लिए काम करता है। 14 से 19 साल 29 साल के जो बच्चे हैं 15 से 29 साल उनके विकास के लिए मैं चाहूँगा, अभी जैसे बताया कि बहुत जिले में नेहरू केंद्र का इतना बहुत ज़्यादा काम नहीं देखने को मिल रहा है। अभी पिछले 4-5 महीने में हमने कोर्स यूथ के नेटवर्क को बढ़ाया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए नेहरू केंद्र के साथ, लड़के लड़कियों को युवा मंडल महिला मंडलों के माध्यम से। मैं यहाँ पर बैठी महिलाओं से विशेषकर सरपंच जो यहाँ पर हैं अपने गांव में SHG ग्रुप महिला मंडल जरूर बनाए और नेहरू युवा केंद्र और तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाओं के साथ उनको जोड़े ताकि सरकार की योजनाओं को उनको निश्चित तौर पर और ज़्यादा काम हम लोग भी कर पाएंगे। निश्चित तौर पर मुझे एहसास है कि कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी बात जो है वो है भाषा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भारत सरकार के अधिकारी होने के कारण राजभाषा को भी प्रमोट बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी में बात करने से मुझे जाए अफसोस भी रहता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं तुम्हें अपनी बात को, लेकिन इस बात को भारत सरकार के निर्देश के अनुसार गृह राज्य के करने के निर्देश के अनुसार कहीं ना कहीं हिंदी का प्रचार करने में थोड़ी बहुत मदद आपके कार्यक्रम से मुझे मिल रही है। दूसरी बात, क्योंकि मनुष्य के सीखने का उसका हालांकि कोई समय नहीं होता, लेकिन निश्चित तौर पर कोई एज ऐसी होती है जहाँ ज़्यादा सीख पाते हम लोग। अपने जीवन की लगभग 50-55 साल उत्तर भारत में बिताने के बाद पिछले 5 महीने के